हाँ तो भाई कैसे हो सारे बढ़िया। तो कल फाइनली अपने हनी पाजी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है और होप सो आपने देख भी लिया होगा, क्योंकि भाई जैसे ही उन्होंने पोस्ट शेयर करी, बेसिकली उन्होंने फोटो शेयर करी थी रील के साथ में, भाई देख लो रात भर में 22.5 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं उस पर, एकदम ऑर्गेनिक हाइप है भाई। तो हनी पाजी लिखते हैं, शी इज़ हेयर फॉर द सेकेंड डोज, आर यू रेडी, दिस 15th of March, मतलब कि हनी पाजी के बर्थडे के दिन इतने स्पेशल डे पे लव डोज का सेकेंड पार्ट देखने को मिलेगा भाई। नॉस्टैल्जिया फील कराने वाले हैं अपने हनी पाजी। बाकी भाई मेरा क्या हाल है एक्साइटमेंट के मारे मैं आपको बता नहीं सकता, बाकी आप तो बता ही सकते हो कमेंट्स में। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, हनी पाजी को देखो कितने ज़्यादा लीन हो चुके हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र देख लो भाई, पूरा का पूरा फैट लॉस कर लिया उन्होंने, फैन से जो वादा किया था उन्होंने भाई पूरा करा, ये होता है एक असली आर्टिस्ट। तो पाजी के लिए भाई हमेशा प्यार रहेगा। आगे बातचीत करते हैं, तो भाई सीधे मौत को तो सभी जानते हैं, तगड़े हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। तो भाई लोगों से जो है मेंस एक्सपी की साइड से एक इंटरव्यू निकला है, हनी पाजी के बारे में पूछा था, तो देख लो क्या जवाब था। भाई के साथ कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला कहीं अभी, मतलब वी रियली लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, टॉकिंग टू हिम, ही सीम्स लाइक अ नाइस डूड, लाइक समझ रहे हो। तो मतलब आई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फील की वो हो कभी जिंदगी में, क्योंकि वो भी नोएडा दिल्ली में ही रहते हैं, हम भी यहीं की पैदाइश है, तो के चक्कर मारते हैं ना वही कभी गेड़ी मारते मारते दिख गए तो हाँ, तो वो चीज़ है सबसे ज़्यादा कि मिलना है एक बार भाई से, मिलके बात करनी है, जानना है। और क्योंकि हम बचपन के हम लोग हमारे सुपर स्टार थे, समझ उनको देख के लाइक फक ऐसा कभी हो सकते हैं, तो लाइक इट इज़ वॉट इट इज़। हम स्कूल में थे, वी यूज टू सी यू नो videos where these guys are not even in this country, they're somewhere else in a yacht with fucking AKs in their hands and I'm just like bhai ye hai bhai ye hai bhai ye kya, and like now you asking us that question, you know agar kisi se bhi aap pooch lo, like people hate on commercial artists, hip hop heads, but me personally I would never give up an opportunity. If someone asks me Hani Singh ke sath gana, I would love to make a song with him. Why? Because I legit grew up listening to his music, even though I wasn't listening to his music. For example, agar main bahar nikla hu, mera koi dost gaadi mein chala raha hai wo gaana, aur I'm enjoying with him, samajh rahe ho, to koi bhi agar mana karega to matlab I don't know. Exactly. Yes. उनके साथ भी जब हम बैठे हुए थे, उनका भी एक शिफ्ट आया है, मतलब because he's had his own journey, right? इतने टाइम में उन्होंने इतने उतार चढ़ाव देख लिया अब अपने लाइफ में। तो जैसे कि आप सबने देख ही लिया है, भाइयों की साइड से ग्रीन फ्लैग देखने को मिल गया है, भाई कैसे भी करके इस क्लिप को हनी पाजी तक पहुंचा दो, ताकि हनी पाजी एक बड़ा सा कोलैबोरेशन कर लें IV2 एल्बम में, जो कि इस साल आने वाली है, और भाई हनी पाजी करेंगे अगर इन लोगों ने बोला तो, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बातचीत है भाई, बेसिकली रिक्वेस्ट है, जितने भी हनी पाजी के योयो आर्मी भाई, अगर आप लोगों को चाहिए एक रियल हाइप तगड़ी वाली जैसे क्लास स्टार के टाइम पे बनी थी, तो भाई चालू हो जाओ और सबको बता दो कि हनी पाजी का क्लासिक ट्रैक लव डोज का सीक्वल आने वाला है, है ना, हर किसी को पता चलना चाहिए भाई, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया ट्रैक था और हनी पाजी फिर से वैसा वेंगर लेके आने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी भाई लोग कॉन्टेंट बनाते हैं लाइक रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, तो भाई बनाना चालू कर दो, तगड़ी से तगड़ी रील्स बनाओ, है ना, हनी पाजी पे और लव डोज जो ओल्ड ट्रैक था उस पे, ताकि सबको पता चले कि सिक्को लाने वाला है। बाकी यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, हनी पाजी के फैन हो, बाय।